okay third sermon is the roaring sermon this is one of the most famous and debated sermons in najul balaga imam ali reflects here on the event that transpired after the death of prophet prophet Muhammad's ki death ke dije jo event hua tha, uski baramanona highlight hai imam ali na, and focuses on the issues of caliphates he expresses the disappointment over being overlooked for the leadership for the muslim community despite his close relations with them देखो कितनी स्ट्रोंग बात बोल रहे हैं रोरिंग सेरमन यानी उसके बारे में इमाम हिमसेल्फ गॉट वेरी हर्ड राइट सेरेमन थ्री ऑफ बलागा सो so, बात की है रोरिंग सेरेमन में व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड इन लाइफ एंड यू फील के ये मेरा हक था दिस वॉज माई राइट बट आई एम बींग राइट ऐसा लाइफ में कभी होता है। इसके ऊपर एक बुक भी एवन बैड थिंग टू तो गुड पीपल किसी ने पढ़ी है बुक शायद हमने भी पढ़ी है मिनट जब ऐसा होता है लाइफ में तो कैसा लगता है स्पेशली आपको पता है कि यार मैं सही हूँ इस वक्त लेकिन मेरे को गलत ठहराया जा रहा है मेरे को डिसपॉइंट किया जा रहा है मेरे को सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि मुझे पता है मैं सही हूँ कैसा लगता है उस वक्त ऐसा होता है प्रैक्टिकली लाइफ में नज़र आता है अच्छा बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कह रहे हैं देखो बिल्कुल सही है ओके okay, नवत वालियानी क्या होता है ऐसा होता है तो अच्छा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसके ऊपर एक और बार सेरेमन आएगा नाजुल बल आगामा बिकॉज आई आई हैव आई ऑफ रीडिंग द टू इमाम अली तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट हो रही है अभी सो so, इमाम सेज़ के कभी कभार लाइफ में ऐसा होता है दैट You are in a position to take decision. Okay. Let's say, let's say you are the boss. You know, you can take decision. Let's say you are one of the stronger spouse. Let's say you are the parent, you know, or maybe you are the outright kid. Okay, something, you know, is very strong by personality. So age does not make a difference. Your position makes a difference, right? हो सकता है यू गॉट जॉबलेस आपकी चल ही नहीं रही कोई आपकी बात सुनी नहीं रहा हो अ मिलियन डॉलर मुझे लोग इस बात से अगली पढ़ते हैं ठीक है, है? So इमाम अली ने बोला पहले तो अपनी पोजिशन चेक करो कि तुम हो कौन ठीक है अगर तो तुम हेल्पलेस हो तो तो तुम्हारे हाथ में कोई डिसीजन ही नहीं है ना तुम बोलो अच्छा मैं माफ़ कर देता हूँ तुम हेल्पलेस हो तुम माफ कैसे कर सकते हो तुम्हारे पास तो तुम पावर ही नहीं है तो इमाम अली से क्लियरली फॉर गिविंग सम वन वेन यू आर हेल्पलेस देर इज नो पॉइंट इन देट क्या पॉइंट कितने लोगों को ये बात क्लियर है तो बोलो यार मैं एहसान करता हूँ मैंने छोड़ दिया अबे तुमने छोड़ नहीं दिया वो तुमको तलवार निकाल के मार देता यू आर सो वीक इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन

और यू फॉरगिव ठीक है या तो तुम सामने वाले को तलवार निकाल के खत्म खलास नो मैं दुबई में आया तो खल्लास खल्लास बहुत बोलते हैं तो बैटल निकाल के खलास लो राइट बट फॉरगिव के ठीक है तो इमाम अली सेज अगर तुम यहां हो और अगर तुम ये डिसीजन लेते हो तो तुम मेरे बेस्ट मैन हो जाने तुमको लाइफ में ऊपर वाले ने पावर दिया ना और तुमने तब फॉर किया तो असली फॉर गिविंग जब तुम कमजोर हो तो तुम किसी को क्या फॉर करोगे तब तो तुम एट द मर्सी समबडी टू बी और नो राइट तो अपने आप को फूल ऑफ करना बंद करो कि मैंने माफ किया और तुम माफ करने की कैपेसिटी नहीं थी तुम्हारी राइट right? बट कभी कभार गॉड तुम्हें माफ करने की कैपेसिटी में लाएगा जब तुम तुम्हारा हाथ ऊपर वाला होगा तुम्हारे नीचे कोई होगा उस वक्त माफ कर देना राइट और उस वक्त जब तुम माफ़ करोगे ना तो इमाम अली सैज वो बंदा गॉड से करीब आ जाता है क्योंकि गॉड उसको और पावरफुल बनाता है कि यार मैंने उसको पावर दिया और इसने अब देखो टेक्निकली उसने क्या किया उसने खुदा की सिफत को रिपीट किया उसने खुदा की क्वालिटी को रिपीट किया खुदा इतना बड़ा है हम सब गलती करते बोलते वो सॉरी 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 ठीक है ओ, सोरी, 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 मसला आता है कोई पेपर वर्क फंस जाता है लीगल फंस जाता है बिजनेस है स्टॉक में नुकसान हो जाता है एजुकेशन में लॉस हो जाता है ठीक है दिमाग ठिकाने जाता है जमात खाना जाने का दिल भी चाहता है सुबह भी उठ जाते हैं लाइक की जरूरत नहीं पड़ती है ना जस्ट स्टार्ट गेटिंग वेक अप इन द मॉर्निंग और इतना ऊपर वाले से प्यार पैदा हो जाता है पता है यार यही मदद करेगा अभी खत्म अभी हम इधर वाली फील्ड में भी बिल्कुल लास्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हेल्पलेसनेस की राइट तो अब ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए आदमी को ना रूफ टॉप वाला आदमी हमेशा याद आता है याद रखना ये साइकोलॉजी है राइट तो खुदा तब उसको पता है बोलता तो है अभी तुम मेरे को क्या याद कर रहे हैं अभी तो तू बिल्कुल हेल्पलेस है ठीक है मैं फिर भी खुदा हूँ तेरे को सुनूंगा लेकिन अभी मजा नहीं आएगा मुझे क्योंकि तू हेल्पलेस है राइट हाँ तू पावरफुल होता ना फिर भी बोलता है नहीं मैं अभी भी सारे काम छोड़ के जमात खाना टाइम पे जाऊंगा मैं मूवी नाइट छोड़ के जमात खाना जाऊँगा

अगर तू इस पोजीशन में खेलना जानता है तो राइट तू बैटिंग कर रहा है और तेरे पास फुल कहते हैं ना बाउंसर बॉल आया शोएब अख्तर का एंड तूने ने घुमा के फेंका डायरेक्ट होम रन किया राइट ये वो पोजिशन थी ये वो पोजिशन थी कि ठीक है एक कमजोर बॉलर था सामने और तूने बोला ठीक है मैं स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हूं मैं मार सकता हूं मैं मार दूंगा इसको मैं बिजनेस में नुकसान दे सकता हूं मैं तोड़ दूंगा राइट खत्म हो गई बात मैं बोलने में ज़्यादा अच्छा हूँ मैं उसको सुना के चुप कर दूंगा ये फ्रेंड्स में हो स्पाउसेस में हो इन लॉज में हो जो भी हो ब्रदर्स में हो सिस्टर्स में हो पेरेंट्स किड्स हर जगह होता है कोई स्ट्रोंग होता है कोई वीक होता है हाउ मेनी यू मैनी विद द पॉइंट यस और नो राइट और अक्सर ज़्यादा मजबूत आदमी जीत जाता है चाहे वो सही हो गया नहीं हो यस और नो इसीलिए नहीं कि सामने वाला कमजोर है बट इसलिए कि कभी कभार सामने वाला इमोशनली बहुत पावरफुल है वो स्टोरी याद है शेर वाली कि एक शेर डोंकी से बहस कर रहा था और दूसरे शेर के पास आया और शेर ने बोला कि ये काम करो बात खत्म नहीं हुई शेर को सजा दो तो शेर ने बोला अरे शेर हो के शेर को सजा दे रहा है मैं डोंकी गलत है बेवकूफ है मतलब इज बिंग स्ट्रगलिंग विद मेरे दो घंटे वेस्ट किया मैं उसको समझा रहा हूँ डोंकी तो कमजोर है मैं शेर हूं मैं पावरफुल मैं एक रोर करूंगा तो भाग जाएगा डोंकी कह रहा है नहीं तेरे में क्या ताकत है शेर कहता है शेर को पकड़ो और दस कोड़े मारो तो डोंकी हंसता है और उसके ऊपर मजाक करता है चला जाता है शेर रोते हुए आता है जंगल के बादशाह का बोलता है तुम तो मेगा शेर हो शेर ऑफ द टाउन हो तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने कोड़े बोले बोले कोड़े इसलिए नहीं मारे कि तू जूठ बोल रहा था तू सही बोल रहा था बट तू डोंकी से बहस कर रहा था इसलिए कोड़े मारे तो कभी कभार सामने से जवाब देना इज बिकमिंग अ डोंकी नवाम अली कहते हैं कि जब बेवकूफ या नादान आदमी रास्ते में भी दिख जाते हैं ना तो मैं गली बदल लेता हूँ क्यों क्योंकि पता है वो कोई गलत बात ही करेगा वो कोई स्टुपेड बात ही करेगा तो मैं अपनी एनर्जी क्यों खलास करूं क्यों खत्म करूं राइट व्हाई शुड आई विद अ पर्सन जो अच्छा हम सबको पता है कि कौन होशियार है कौन ज्यादा होशियार है कौन कम होशियार है कौन है जिसके भेजे में बात ही नहीं जाएगी येस और नो हाउ मैनी ऑफ यूर लाफिंग राइट तो जब पता है तो उसको यूज करो ना जो भी आपको लगता है जीरो लाइन से नीचे है तो उसको जताने की क्या ज़रूरत है कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है बस गली बदल लो ठीक है टर्न आउट ऑफ द वे आपकी एनर्जी बचाओ एनर्जी बढ़ाने की ज़िंदगी में दो तरीके हैं या तो वर्कआउट करो अच्छा फूड न्यूट्रिशन लो मेडिटेशन करो क्लियर द कल्ट रखो एक दूसरा तरीका भी है कि गलत जगह पे उस एनर्जी लगाने से रोक दो राइट स्टॉप ईटिंग फैटी फूड स्टॉप ईटिंग यू नो एक्स्ट्रा कार्ब्स यू नो टेक मोर फाइबर इसी तरह से स्टॉप ईटिंग इन सिटिंग विद टॉक्सिकीपल्स अराउंड ठीक है तो इस वक्त ये जो सारी बात थी ना देखो इमाम अली अपनी डिसमेंट से समझाते अब इमाम अली की क्या पावर थी आप सबको पता है उनकी शॉर्ट के सामने कोई खड़ा हो सकता था कैबर का केला अकेले फतेह कर लिया था जो सालों से बड़े से बड़े टारजन नहीं कर पाए थे तो इमाम अली अगर तलवार उठा लेते हैं तो अपने आप को पहला खलीफा मनाना कोई प्रॉब्लम था इमाम के लिए कितने लोग अग्री करते हैं कि सुन्नीज भी अग्री करता है इस बात से तो इमाम अली सी पोजीशन में थे हेल्पलेस थे नहीं इस पोजीशन में थे ना पावरफुल थे अब उन्होंने बैटल बैक किया या फॉरगिव किया फॉरगिव कर दिया ना इसलिए तो चौथे खलीफा बने राइट पहले जो बने दूसरे बने तीसरे बने वी आर वेरी क्लियर ऑन द पॉइंट वी आर नॉट गोइंग इन टू द रिलीजियस हिस्ट्री बट वी आर गोइंग इनटू द साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट इमाम ने खाली बोला नहीं देखो करके भी दिखाया यस और नो और कितनी बड़ी चीज करके दिखाई प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बनने वाले थे प्रेसिडेंट ऑफ इस्लाम बनने वाले थे प्रॉफिट मोहम्मद के बाद वो पोजिशन छोड़ दी किस में इतना दम होता है कि छोड़ सके पोजिशन राइट अपने एथिक्स के आगे अपने सक्सेस को पीछे कर दिया और वो सक्सेस भी दुनियावी सक्सेस नहीं था वो इसलिए लीड करना चाहते थे ताकि मुसलमान और पावरफुल हो जाए राइट जैसे इमाम ऑफ द टाइम लीड करता है राइट तो ये बात क्लियर है सबको तो लाइफ में जब भी डिसअपॉइंटमेंट आए तो देखना है कि हेल्पलेस हो या पावरफुल हो ठीक है और अगर पावरफुल हो तो अपने आप को चेक करो कितने पावरफुल हो क्या सामने जवाब दे के पावर दिखाना है और सामने वाले का गेम ओवर कर देना है या और ज्यादा पावर दिखाना है और बोलना है नहीं यार ऊपर वाले तेरा शुक्रिया तूने मुझे इतना पावरफुल बनाया और मैं तेरे लिए इसको फोगिफ कर रहा हूँ तू मेरे को फॉगिफ कर देना जा मेरे मसले है डू यू ऑल अग्री विद मी कैन आई हैव थम्स अप राइट ठीक है तो अब इसको आप बच्चों को कैसे सिखाओगे हाउ विल यू टीच द यंगर जनरेशन यंगर किड्स थिंक अबाउट इन द कंटेक्सट ऑफ बींग बुलीड बहुत बच्चे बुली होते हैं स्कूल्स में डिसअपॉइंटमेंट्स होती है कभी कभार वो इस पॉइंट पे भी बुली होते हैं जो उनमें मसला है ही नहीं तो आपको ये बताना है कि तुम पहले तो ये देखो कि सामने वाले के सामने तुम हेल्पलेस हो या पावरफुल right? हो राइट हेल्पलेस हो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है ज़्यादा मसल शसल है ज़्यादा टॉल हाइटेड है बिल्टअप है ठीक है हेल्पलेस हो कुछ कर नहीं सकते चले जाओ दुनिया में ऐसे बहुत लोग आएंगे पेशेंस रखना सीखो दुनिया में हमेशा अपने हिसाब से काम नहीं होगा और ये तुम्हारी ट्रेनिंग है तो क्या हुआ आपका बच्चा बोलेगा नहीं यार बुलिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ मेरे माँ बाप भी बुली होते हैं मेरे ग्रैंड भी बुली होते हैं हमेशा चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी ठीक है That's okay. life गुजारने का तरीका आगे अच्छा तुम पावरफुल हो तुम उसको बैटल करके हरा सकते हो फॉगिव तो करना सीखो वो इमोशनली इतना स्ट्रोंग हो जाएगा आपका बच्चा और हमने कल ही बात की थी लास्ट क्लास में आई क्यू वर्स इज ई क्यू रिमेम्बर ज फॉर्चून फाइव हंड्रेड पे हायर नहीं करती लोगों को किस पे हायर करती है EQ पे बच्चे का इमोशनल स्ट्रेंथ आप बिल्ड कर दोगे ना नाइन ट्वेल्व की एज पे और ट्वेंटी पता तो कर लेगा वो राइट ही कुड बी अ अ ऑफ बिगेस्ट फास्ट मूविंग कंपनी बिकॉज इमोशनली वो इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आठ साल का था तो आपने उसको सिखाया था कि बुली हो ना तो फायदा नहीं ठीक है माफ कर देना या तो चले जाना ठीक है अगर हेल्पलेस है तो चले जाना अगर पावरफुल हो तो माफ कर देना ठीक है और कोशिश करना जिंदगी में पावरफुल बनो ताकि कोई बोली ना कर सके और तब फॉरगिव करने की ये बात क्लियर, तो तो याद रखना कि इमाम अली जैसा पावरफुल आदमी भी लाइफ में डिसअपॉइंटेड हुआ था ठीक है तो आप और मेरा डिसअपॉइंटमेंट होना नॉर्मल है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ हमेशा दिन हमारे हिसाब से नहीं होगा और खुदा ने कुरान में कहा है इनमा अल्सरा मुश्किल के बाद आसानी पैदा करता हूँ भाई तो जब मुश्किल आएगी जब हेल्पलेस फील करोगे तभी तो जब गेंद दूंगा तो खुश होकर के मुझे शुक्र करोगे ना जब मुश्किल आएगी नहीं तो शुक्र की आदत वो लोग जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कभी उनको पूछना जाके मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ऐसे लोग जानता हूँ जिनके सौ स्टोर्स हैं उनके पास लाइफ मिजरेबल हो जाती है कभी कभार कि करना क्या है लाइफ में इतना पैसा आ रहा है इतना काम आ रहा है काम करने को ही नहीं है कुछ लाइफ मिजरेबल हो गई है बाहर से पीपल एन बी उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई है राइट तो आपको नहीं पता किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है बट बहुत सक्सेसफुल आदमी जो आपकी नज़र में सक्सेसफुल है वो अंदर से मिजरेबल भी हो सकता है राइट हो सकता है उसका हेल्थ ही उसका साथ नहीं दे रही मतलब ही कुड नॉट यून आई आइसक्रीम आउटसाइड उसका शुगर लेवल इतना हाई है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द ग्लोरीज वो एंजॉय नहीं कर सकता लाइफ राइट सो ब्लेसिंग्स बहुत तरह की सो दिस वाज सरमन थ्री कॉपरेट बुक्स हमने एक दफा हिपोक्रेसी की बात की थी कितने लोगों को याद है एंड फिर हमने क्वेश्चन किया था आर वी हिपोक्रेट्स मैं वापस रीकॉल कराता हूँ हिपोक्रेसी मीन्स हम बोले कुछ और करे कुछ हम दिखाए कुछ और हमारे दिल में कुछ हो. अच्छा चेंज करने नहीं चले हम अपने आप को बेहतर बनाना चले डू वी ऑल अग्री विदेफिशन ये राइट प्रोफिट मोहम्मद का सबसे आसान तरीका दुनिया जीतने का क्या था खुद को इतना अच्छा कर दिया कि लोग मैगनेट की तरह अट्रैक्ट होना शुरू हो गए राइट right? कहीं भी जाके लेक्चर्स नहीं दिए एम्पावरमेंट के राइट right? हम हम भी यही कर रहे हैं हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है हमने सुना है राइट सो हमको खुद अच्छा हो ना हमको खुद को सीखना है how to, how to ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज आज की दुनिया इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती शायद हम भी फॉलो नहीं करते राइट right? सो so, इमाम अली सय और हमने कुरान में पढ़ा था कि खुदा हिपोक्रेट्स को हेट करता है हेट करता है डिसलाइक नहीं करता हेट करता है एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी आ गया अब हिपोक्रेट कौन होता है बहुत ऑनेस्टी से सोचना है जवाब देने की जरूरत नहीं ये क्लोज योरइज फॉर अ मिनट और सोचो कि लाइफ में जो तुम बोलते हो वो करते हो जो तुम दिखाते हो लोगों को क्या वही अंदर है जो बाहर है अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो रेज यू हैंड्स ताकि ऊपर तक हाथ है जो कहे नहीं यार मैं बहुत अच्छा हूं जो मैं अंदर हूं वही मैं बाहर हूं अच्छा आधा हाथ आया ना उसका मतलब है नहीं आधा मसला है लगने में और बिल्कुल नीचे है मतलब बहुत मसला है ठीक है और दुनिया में बहुत मसला है राइट लेट्स एक्सेप्ट कि आप लोगों का सेल्फ एवेल्यूशन क्या है रेज योर हैंड्स कितने लोग कहते हैं नहीं मेरे पास कोई मास्टर पीस बनाए नहीं खुदा ने ऐसे अच्छे लोग बनाना छोड़ दिए वो मशीनी साइड पर कर दी कितने लोग कहते हैं नहीं, नहीं नहीं थोड़ा सा मसला है बहुत सारा मसला है कितने कहते हैं नहीं भाई बहुत मसला है आई ये एक्सेप्टेड रेज योर हैंड्स ज शरीफा का हाथ ऊपर है अच्छी मशीन वाले ठीक है परवीन का हाथ बिल्कुल नीचे आ रहा है नवत वलियानी गुलशन किधर है हाथ लाल जी ओके आधा मलिक मिठा बहुत ऊपर जा रहे हैं शहनाज शौकत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाओ शेयरिंग छूटेगा ठीक है समझ गया अपन मलिक ये सरोज वडी वाला किधर है हाथ बहुत नीचे कर दिया अच्छा ठीक है सो यू ऑल आर ऑलमोस्ट हाफ ठीक है हाफ से ज्यादा ही होगा लेकिन अभी अपने को ब्रैक भी तो करना है ना ट्वेंटी पीपल आर इट राइट बोले चलो आधा कर दे, मैं लोग सहेंगे यार बहुत ही हीट है तो सेवेंटी नाइन परसेंट इन टूडेज वर्ल्ड पीपल आर ये हिपोक्रेट्सो्राफी साइकोलॉजी टूडे मैगजीन कहती है राइट right? दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजी की मैगजीन है तो यानी कि इक्कीस लोग खाली जो बोलते हैं वो करते हैं ज्यादातर सिचुएशन में एट्टी परसेंट हो गया ना एट्टी परसेंट लोग झूठ बोल रहे होते ठीक है अब सब हंस रहे हैं, राइट ऐसा ही है राइट एक कहावत है एक्ट करो या प्रिटेंड करो जब तक लोग उस पर भरोसा करना शुरू ना कर दो और आज की सारी मार्केटिंग इसी पे है जितने भी फोन्स बिकते हैं लोग क्रेजी की तरह बाय करते हैं जितनी भी एडिक्टि सोशल मीडिया डिवाइस है वो इसी फार्मूला को यूज़ करती है जितने भी फेसबुक पे इंस्टा पे स्नैपचैट पे जो फोटोज जाते हैं जिसके पीछे फिल्टर्स और कैमराज और ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है वो इसीलिए है कि लोग बहुत दफ़ा अफोर्ड भी नहीं कर सकते वेकेशन बट वो पैसे क्रेडिट कार्ड्स पे डाल के जाते हैं दिस इज द होल काउंसिल रिपोर्ट्स लोग अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस करते हैं दिखाने के लिए जस्ट बिकॉज मेरे चार दोस्त और गए थे उनकी फोटोज वर अमेजिंग मुझे उनसे अच्छी जगह जाना है मुझे उनसे अच्छी कार रेंट करनी है मुझे उनसे ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं बल्ले मेरी फाइनेंशियल हेल्थ और ज्यादा डाउन हो रही है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं ये और नो तो ये छोटी सी एग्जाम्पल क्या है जो आज का फंडा है सोशल नेटवर्किंग इट्स हिपोक्रेसी आप दुनिया को वो दिखाना चाहते हो जो आप नहीं हो या जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते या जूठी शानो शौकत दिखाना चाहते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट यू सिर्फ आपको अपना स्टेटस सिंबल बनाना है और नो और आज जो इतना बुली का वर्ड बच्चों में भी बढ़ गया है ना या बड़ों में भी है सबसे बड़ा रीज़न बुली का इज सोशल दुनिया सोशल स्टेटस पे बुली करती है राइट क्यों क्योंकि तो सोशल स्टाटस को इम्पोर्टेंट समझा जाता है अगर आप बच्चे की इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर दो और बोलो ये तेरे कोई काम का नहीं है वॉरन बुफेट जैसा इतना बड़ा आदमी आज भी वाफल हाउस में जाके नाश्ता करता है और उसको शर्म नहीं है इस बारे में और बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसा आदमी बोलता है मैंने पच्चीस डॉलर की टी शर्ट वॉलमार्ट से लेके पहनी थी उसको शर्म नहीं है तो इस चीज से बड़ा नहीं बना जाता बड़ा किसी और चीज से बना जाता है ये जो फेक इट इट मेक है दैट्स फॉर जीरो पीपल राइट तो जब बच्चे को आप ये सिखा दोगे और समझा दोगे सिखाना और समझाने में फर्क है सिखाना मतलब मैंने यहाँ से सुना और यहाँ से समझाना मतलब कि आपने पांच दस एग्जांपल्स दी और शायद जमात खाने में भी इतने सक्सेसफुल लोग दिखाए और बोला देखो ये लोग शो ऑफ करते हैं नहीं इनके पास बहुत कुछ है और जो शो ऑफ करते हैं ना उनके पास कुछ नहीं है सारा का सारा क्रेडिट कार्ड पे खींचा हुआ है यस और नो राइट उसको पता चलेगा ओ दुनिया में फिकेट फिकेट भी होता है तो नेक्स्ट टाइम उसको कोई बुली करेगा ना तो उसको इतना बता दिया आपने कि वो सामने वाले पे अंदर अंदर हंस रहा होगा कि नहीं यार ये बहुत इमेचोर है मुझे क्या बुली करेगा मैं तो इसको बुली कर रहा कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं सिर्फ बच्चों पे नहीं आता 50 इयर्स बड़े पे भी आता है सीनियर्स पे भी आता है राइट क्यों क्योंकि इमोशनली हम लोग कमजोर है राइट हमें तो हम हिपोक्रेसी में चले जाते हैं हम वो वो कुछ करना शुरू कर देते हैं जो हमें पसंद भी नहीं है वो वो जगह जाना शुरू कर देते हैं जो शायद हमें मज़ा भी नहीं आता बट हम इसलिए करते हैं कि यार हमारा स्टेटस सिंपल बन रहा है एंड यू नो वी वांट पीपल टू सेव वा क्या गाड़ी बाय की है क्या घर बाय है यू नो सो पॉइंट नंबर फोर इज अबाउटिंग यू आर ठीक है और पॉक्रेट है पॉकेट वो होता है जो के जो करता है वो बोलता नहीं जो बोलता है वो करता नहीं तो इमाम अली ने कहा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बात है अगर तुम तो हिपोक्रेट होगे ना लाइफ में तो तुम्हारा ट्रस्ट ऊपर वाले से खत्म हो जाएगा ये क्या बात बोल दी इसको कौन समझाएगा दोनों चीजों में क्या लिंक है बहुत बड़ी बात है कभी-कभी हमें चीज समझ नहीं आती बट दैट्स वेयर वी स्टार्ट फोन ऑफ फ्रेंड राइट कौन समझाने की कोशिश करेगा इसको तो यानी पॉइंट आया कि जब आप हिपोक्रेसी में जाते हो सो लेट्स गो बैक टू स्लाइड 1 बिकम हेपोक्रेट्स क्यों बनते हैं हम हेपोक्रेट क्यों दुनिया हमें फोर्स करती है हिपोक्रेट बनने के लिए क्योंकि हमें शबाशी मिल रही होती है हमारा ईगो पैम्पर हो रहा होता है यस और नो राइट जब आपका ईगो पैम्पर होता है आपकी वाहवा होना शुरू हो जाती है लोग आपको दूर दूर से बुलाना शुरू कर देते हैं आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बन जाते हैं आपको यू नो एक स्टीम मिलना शुरू हो जाती है आपका ईगो पैम्पर होना शुरू हो जाता है राइट तो फॉल्स स्टीम के पीछे आप फिर आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो आप फॉल्स स्टीम को बनाने के लिए और फेक इट, मेक इट करना शुरू कर देते हो राइट और दिखावा शुरू कर देते हो उससे होता है जैसे शौकत भाई ने बोला कि आपका जो सोल होता है ना वो डेड होना शुरू हो जाता है और वो अंदर से इंतहाई स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि खुदा ने आपको अपनी पिक्चर में बनाया है। ऑनेस्ट बनाया है सच्चा बनाया है जब आप झूठ की तरफ जाते हो ना तो दिमाग चल रहा है दिमाग बहुत कनेंगे आप दिमाग बहुत तेज है आप ब्रांडेड वेयर्स पहन रहे हो आप वो कुछ लाइफ कर रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते बट आप लोगों को एक दिखाना चाहते हो और आपने ऐसे लोग देखे होंगे जब भी आपको मिलते हैं बहुत झूठ बोल रहे होते तो हैं अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं और बहुत दफ़ा दुनिया को पता होता है झूठ बोलते हैं आदमी यस और नो कितने लोग ऐसे जानते हैं मेनी ऑफ यू आर लाफिंग राइट तो वो जो झूठ बोल रहा होता है आधे से ज्यादा लोग स्मार्टली पकड़ लेते हैं उसकी बात को येस और नो तो जब सामने वाला इंसान भरोसा नहीं करेगा उस पर तो क्या खुदा भरोसा करेगा राइट right? तो खुदा तो अकले कोला है इंसान अकले जूज ने पकड़ लिया उसको सो खुदा के लिए पकड़ना मुश्किल होगा क्या वो तो खुदा कहता है का दारोमदार नियत ऊपर है तो मैं नीयत देखता हूँ बंदे की मैं स्ट्रगल नहीं देखता कि वो विन किया कि लूज किया मैं ये देखता रहा हूँ वो फाइट किस कॉज के लिए कर रहा था ठीक है एक ऐसी औरत जो प्रॉफिट मोहम्मद से भी कचरा फेंकती थी बट उसने एक दफ़ा प्यासे डॉग को पानी पिला दिया तो मैंने उसकी नीयत देख के उसको माफ़ कर दिया राइट ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत करप्ट थे एंड में खुदा के हाथ पैर पकड़ लिए और खुदा ने उसकी नीयत देख ली तो खुदा ने सारे एक्शन माफ़ कर दिया राइट right? और कभी कभार बहुत मोमिन आदमी था हमने ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत देखी हजारों एंड में कोई एक गुना इतना बड़ा हो गया खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने उसको बोला यू नो सेकंड गेट गेट ऑफ फेल वहां पे चले जाओ राइट right? ख़त्म हो गई सारी की सारी चीज़ें तो बहुत दफ़ा जो होता है ना खुदा भी बोनस फॉर्म्स दे रहा होता है राइट right? लेकिन खुदा जो इवेल्यूशन करता है ना उसमें एक चीज़ खुदा ने खुद ने बताई है कि तो वो नियत पर एवेल्यूशन करता है जो हिपोक्रेट होता है ना उसकी तो नियति खराब हो जाती है ना उसकी नीयत ही हो जाती है फॉल्स टीम बनाने की अब आप देखो शैतान से खुदा का पंगा हुआ क्या था ईगो पे ठीक है आदम सलाम को जब निकाला था तो उसने क्या किया भड़काया उसको उसने बोला कि खुदा के बहुत करीब है इसको नाफरमानी कराओ हम सबको वो नीफ का वाक्य पता ही है सुनो बट जो इंसान को सजदा करने मना कर दिया खुदा को मना कर दिया ईगो आ गया ना कि मैं इंसान से बढ़ाऊँ मैं फायर से बनाऊँ वो मिट्टी से बनाया तो जब खुदा के सामने क्योंकि खुदा कहते ना खुल्लादुल्ला शरीक उसके जैसा कोई नहीं वो एक चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे सामने खड़े होने की कोशिश नहीं करो ठीक है जब तुम खुदा के सामने खड़े होते हो तो मतलब हमने किरानों में पढ़ाई कितने करोड़ किताबें पढ़ा शैतान राइट बहुत ज्यादा इबादत करता था खुदा का बहुत फेवरेट था लेकिन जब ईगो पे आ गई तो खुदा ने इन लाइन क्रॉस नहीं करने दी डू यू ऑल अग्री विद हिपोक्रेट आदमी क्या कर रहा है झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ दिखावे पे दिखावा क्यों ईगो बना रहा है वापस किसके सामने आके खड़ा हो रहा है खुदा के सामने आके खड़ा होगा जब इतना इबादत गुजार आलिम ने खुदा ने साइड पे कर दिया जब उसके सामने बराबरी कोशिश की तो आप और मैं तो इतने से इंसान है राइट कल को हमारा लेग पुल हो जाता है तो हम चार दिन बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो हमसे पेन बर्दाश्त नहीं होता यस और नो राइट तो हमारी तो कोई ताकत ही नहीं है तो हम लोग अगर खड़े होने की कोशिश खुदा ना खोज तक कर ले तो कितना नीचे आके गिरेंगे सोच भी नहीं सकते और खुदा माफ करेगा वो चीज उसको नहीं किया राइट right? तो हम कौन है सो दैट्स अ वेरी डेंजरस एली राइट वी शुड नॉट एंटर दैट तो आधी से ज्यादा दुनिया अनफॉर्चुनेटली जिसको लोग कलयुग कहते हैं साइकोलॉजी मैगजीन्स बोलती है नाइनटी लाइफ आधे से ज्यादा सोशल मीडिया पे जाकर देख लो यही चल रहा है लोगों की लाइफ खत्म हो रही है जस्ट टू प्रूव देयर फॉल्स डिग्निटी के मैं कितना बड़ा हूँ राइट right? और उस चीज में तबाह हो रहे हैं लोग और लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार मैं तो बहुत सिंपल हूँ मैं तो सिंपलिसिटी पसंद है उनका खुद का ही सोशल मीडिया जाके देख ले रहा हूँ राइट तो सो दैट्स अनफॉर्चुनेट बट ये हम कर क्यों रहें मतलब हमें पता नहीं है लेकिन हम गलत डायरेक्शन में खुदा से कंपेरिजन में आ रहे हैं हम अपना ईगो बनाने के चक्कर में खुदा से लड़ाई करो राइट right? और आप उसी से लड़ाई कर लोगे जो आपको बचाने वाला है तो कौन बचाएगा आपको डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट यस और नो राइट तो लाइफ में कुछ पंगे नहीं लेने चाहिए डू यू ऑल अग्री विद दैट राइट छोटे मोटे पंगे ले लो लेकिन जो कहते हैं ना जंगल का शेर है उससे पंगा नहीं लेना वरना वो शेर को भी सजा दे देगा डोंकी से लड़ने के लिए राइट right? तो कल को तुम शेर भी हुए ना तो बोलेगा माफी नहीं है तो नहीं है डू यू आर अग्री विद डेट भाई ने बात बोली ना बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में पूरा एक लॉजिक है किसी ने ऊपर वाले से पूछा कि उसकी डेथ हो गई ये उसका है कि ट्रू वाक्य है और बहुत दफ़ा लाइफ आफ्टर डेथ के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए नेशनल जोग्राफिक वगैरह में बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं सो एक आदमी ने उसमें पूरी अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई कि वो कॉमा में चले गया गए गोटिंग टू एन एक्सीडेंट और वो कहते ना जा रहा था ऊपर मतलब लीम्बू में फंस गया ऊपर नीचे के बीच में फंस गया चारी और चारी चारी खुदा से उसकी इनडायरेक्टली इस तरह से बात हुई कि ही टॉकिंग टू गॉड के यार खुदा मेरे बहुत सारे काम दुनिया में बाकी हैं है, जो नो अचानक से बुला लिया और जो मैं हमेशा तेरा अच्छा बंदा रहा तुमने मेरे को मौका नहीं दिया मैं वाइंड अप नहीं कर पाया लाइफ अचानक से तो खुदा ने बोला कि तू जा चल अच्छा बंदा है तू वाइंड अप कर ले तो मतलब ये में भी एक है मद यू नो पीर कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं खुदा उसको बहुत मरसी देता है बहुत ग्रेस देता है राइट कहते है ना वो मार्क्स पूरे नहीं आए बट वो ग्रेस दे के उसने पास कर दिया डिमोट नहीं किए तो वो अच्छा बंदा था तो खुदा ने उसको बोला तो उसने खुदा से मुझे खुदा मुझे पता है मेरे बहुत सारे काम दुनिया में नहीं हो रहे राइट तूने मुझे टाइम तो दिया है ग्रेस मार्क्स दिया है, लेकिन मेरे बहुत सारे काम नहीं हो रहे और काम बहुत टाइम बहुत कम है तो कोई टिप दे मुझे इससे मेरे सारे काम हो जाए ताकि मैं वापस बुला ले जो भी तूने मुझे सेवन डेज फाइव डेज टेन डेज देता है अभी बड़ी मजे की बात है राइट right? इस पर लोगों ने बुक्स लिख दिए हैं ये प्रिंसिपल कुछ डॉप्लर इफेक्ट कहते हैं या कुछ तो खुदा ने कहा कि तेरे काम नहीं होते ना और तुझे कम टाइम में काम कराना है तो तू उन लोगों को ढूंढ जिनके काम तू कर सकता है जब तू उनके काम कर देगा मैं तेरे काम कर दूंगा ठीक है तो so वो शौकत भाई जस्ट सेट इज वेरी वैलिड सेवा राइट right? हमको लगता है यार आज की बिजी लाइफ में टाइम नहीं है कहाँ से खुदा ने बोला तेरे काम मैं कर दूंगा तुझ काम कर लो जिसके काम तो कर सकते हो हमारा तो काम वो संभाल लेगा थैंक यू